बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओकाड़ा कैंपस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट टू का इफ एल्स इफ का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली इफ एल्स इफ जो है, आप इसको ये कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स होंगी। यानी आपने जैसे कि एक सिंगल इफ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें आपको मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स नजर आएंगी और इसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यानी इसमें क्या होगा कि ओनली वन ब्लॉक, यानी सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मल्टीपल ब्लॉक में से। यानी आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में आपको मल्टीपल ब्लॉक्स नजर आएंगे या मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नजर आएंगी और उसमें से एक ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इन दिस स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर गिवन। मींस ऐसे कि इसमें मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है और इसमें आपको मल्टीपल कंडीशंस भी नजर आएंगी और उन मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी आएंगी जिनको आपने एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। व्हेन एनी गिवन कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड। यानी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जिसको मल्टीपल ब्लॉक्स जो होंगे उसमें जो मल्टीपल कंडीशंस होंगी उन तमाम कंडीशन में सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि एक कंडीशन ट्रू होगी और उसमें जो मौजूद स्टेटमेंट्स जो होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यानी ट्रू वाली कंडीशन के साथ जो भी स्टेटमेंट्स एसोसिएट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बाकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, बाकी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होगी वो इग्नोर हो जाएंगी। यानी कि मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, मल्टीपल कंडीशंस होंगी, उनमें एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बाकी स्टेटमेंट्स जो होंगी वो इग्नोर हो जाएंगे। तो ये थे इसकी कुछ इफ एल्स इफ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए इसके सिंटेक्स की तरफ चलते हैं। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। जिस तरह से आपने नॉर्मल इफ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें से इनसे पहले इफ होता है, उसके बाद कंडीशन आती है और उस कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अगला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में आ जाता है। यहां पर गौर से देखें कि आपको मल्टीपल कंडीशंस जैसे कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, इस तरह से आपको मल्टीपल कंडीशन नजर आ रही हैं और उन कंडीशंस के साथ ये आपको एक ब्लॉक ऑफ, यानी ये ब्लॉक वन है, इस यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है। इसमें इस तरह से देख करना है आपने, जैसे इफ है आगे कंडीशन आएगी कोई भी, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक आएगा आपके सामने जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। नेक्स्ट जो है एल्स, जो कीवर्ड यूज आप करेंगे इसके साथ आपने इफ यूज करना है, एल्स इफ। यानी जैसे पहले स्टार्ट में इफ कंडीशंस होगी जिसको आप आउटर कंडीशन भी कह सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे आएंगे एल्स इफ, मीन हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इफ एल्स इफ। यानी एल्स इफ के बाद आपने कंडीशन अगली जो है वो लगानी है। ठीक है। और उसके बाद आपने ब्लॉक टू, यहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होगी, फिर नेक्स्ट आप देखें एल्स इफ, फिर कंडीशन आ रही है कंडीशन थ्री और फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएगा। और जब आगे आपने एल्स इफ नहीं यूज करना, मतलब फॉर एग्जांपल इसको आप ये देख लें कि एक नेस्ट की कंडीशन बन रही है कि आपने अगर लास्ट पे अगर आपने कोई एल्स इफ नहीं लगाना तो वहां पे आप एल्स अकेला सिंगल कीवर्ड जो है यूज करना है और उसमें आपको नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी आपने प्रिंट करानी है वो आप एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है। अब इसकी वर्किंग कैसे है गौर से देख लें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन, अगर यहाँ आप कोई कंडीशन दी हुई है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट ब्लॉक जो है ये वाला, इसमें जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी आपने प्रिंट करवाएंगे, इसके आगे एग्जांपल के साथ भी देखते हैं, पहले सिंटेक्स को अच्छी तरह से समझ लें, ये जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी तमाम ब्लॉक्स जो है वो स्किप हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। मीन्स कि यहाँ जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। रन हो जाएगी, आपको आउटपुट शो हो जाएगी। और अगर फिलहाल अगर अगर ये फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो इस ब्लॉक में नहीं है कि वो नेक्स्ट के नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इफ एल्स इफ नजर आ रहा है यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ कंडीशन टेस्ट होगी
और यहाँ अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है और फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी फर्दर रिमेनिंग ब्लॉक्स जो होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ठीक है, इसको दोबारा देखें कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो इस ब्लॉक को स्किप करके वो नेक्स्ट एल्स इफ में आ जाएगा और यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो अगले ब्लॉक पे चला जाएगा, अगले एल्स इफ वाली कंडीशन पे चला जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग जो भी अदर ब्लॉक्स होंगे वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो लास्ट एल्स पे चला जाएगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो वो फिर लास्ट में एक ही ब्लॉक रह जाता है, वो एल्स का ब्लॉक रह जाता है, वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मींस इन तमाम ब्लॉक्स में जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ लिखा है द कंडीशंस इन दिस स्ट्रक्चर्स आर इवैल्यूएटेड इन द गिवन सीक्वेंस अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज फाउंड, यानी कि आपको ये पूरे सीक्वेंस के साथ तमाम कंडीशंस नजर आ रही हैं और तरतीब के साथ आपको उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट होगी जब तक कोई गिवन कंडीशन ट्रू हो नहीं जाती। यानी फर्स्ट अगर चेक होगी ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी वो नेक्स्ट में आ जाएगा, और ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट एल्स इफ में आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक ये सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूशन होगी और सीक्वेंस का साथ एक कंडीशन चेक होगी, अगर तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में किस पे चला जाएगा, एल्स पे चला जाएगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। कि व्हेन ट्रू कंडीशन इज फाउंड, व्हेन ट्रू कंडीशन इज फाउंड द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड, और इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड। मींस के आप ये देख सकते हैं कि अगर तो तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो किस पे चला जाएगा, लास्ट एल्स पे चला जाएगा। ठीक है, यानी सीक्वेंस के साथ सारे कंडीशन टेस्ट होंगी, ठीक है, और जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग ब्लॉक्स क्या होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे। तो ये तो सिंटेक्स था जिसकी वर्किंग हो गई। अब इसका नेक्स्ट जो है आप फ्लो चार्ट देख लें और एक प्रोग्राम के थ्रू जो है हम इसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि ये स्टार्ट आपके पास है, नेक्स्ट कंडीशन है, ठीक है, तो ये तमाम कंडीशंस है, यानी कि इस तरह से ये फ्लो चलेगा कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, फॉल्स होगी तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर अगली कंडीशन पे चला जाएगा, और ये भी अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर किस पे चला जाएगा, एस बॉडी पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे प्रोग्राम आपके सामने नजर आ रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, अब हम इसमें एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है कि हमने एक नंबर मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर, स्कैन अप यूजर इनपुट करेगा और उससे नंबर मांगा जाएगा कि जो भी वो नंबर उसने एंटर किया है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो। अब इसमें देखें, अब इफ नम ग्रेटर देन, मतलब फॉर यूजर क्या टाइप करता है, वन ग्रेटर देन जीरो फॉर एग्जाम्पल, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, द नंबर इज पॉजिटिव, यानी वन पॉजिटिव है। और अगर यहाँ पे यूजर टाइप कर देता है फॉर एग्जाम्पल माइनस वन लिख देता है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो एल्स पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जब करेगा माइनस वन लेस देन जीरो तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट जिसमें आप नंबर इज नेगेटिव लिखा हुआ ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी स्किप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब आप जीरो लिखा है, जीरो ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाला स्किप हो जाएगा, एल्स पे चला जाएगा। जीरो लेस देन जीरो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा और फिर एल्स पे चला जाएगा, और इस तरह से ये वाली स्टेटमेंट एल्स पे जो होगी द नंबर जीरो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है, वर्किंग करता है, जिससे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से आप कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होगी, एक ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग ब्लॉक जो होंगे वो स्किप हो जाएंगे। अब आपको उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसकी वर्किंग भी समझ आ गई होगी। बस ये ध्यान में रखें, सिंपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर है जो आपने नॉर्मली इफ एल्स देखा है, बस इसमें क्या है कि इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे और उस ब्लॉक्स में से जो कंडीशन ट्रू होगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी इग्नोर हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।